Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are fine and your teacher is also fine. I am your English teacher Shahida Naz and this is your English book Oxford Reading Circle for class 5. Today your reading chapter is The Boy with an Answer, page number 45, and now open your books and we start reading. हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि किसके बारे में है. ये एक बच्चे के बारे में जिसका नाम वदीम था. वो बच्चा इंतहाई बदतमीज़ था और उसकी बदतमीज़ होने की वजह ये थी कि उसकी माँ के बेजा लाड प्यार की वजह से वो बच्चा बिगड़ गया था. वो हमेशा उसको दूसरे बच्चों से अलग रखती थी और इसी वजह से उसने उसको स्कूल भी नहीं जाने दिया कि अगर ये स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चे जो हैं इसके बच्चों को कमतर जानेंगे और वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा लाडला है और इकलौता है, तो इसीलिए वो उसको स्कूल भी नहीं जाने देती. अब हम इस स्टोरी में देखेंगे कि एक बूढ़े शख्स की वजह से और एक बूढ़ी औरत की वजह से उसके अंदर किस तरह तब्दीली आती है. क्या वो कोई मैजिकल उसको कोई ट्रिक देती हैं या कोई मैजिकल वर्ड सिखाती हैं या उसके अंदर तब्दीली कैसे लाती हैं, ये हम अपना पूरा चैप्टर जब रीड करेंगे और मैं आपको उसके बारे में पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन करूँ. Now we start reading first paragraph of this chapter. Vadim was a bright boy, but he was also very mischievous. He lived many years ago in a small village in a kingdom far, far away, in a land of mountains and snow. Since he was an only child, his mother loved him very dearly. You could say that he was pampered too much and became a spoiled child. But Vadim had a quick wit and this helped him to make friends and get along in life. वदीम एक रोशन लड़का था लेकिन वह बहुत बदतमीज था. वो कई साल पहले छोटे से गांव में एक सल्तनत में बहुत दूर पहाड़ों और बर्फबारी की एक सरजमी में रहते थे. क्योंकि वो इकलौता बच्चा था इसीलिए इसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला था. आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लाडला था और वो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बन गया था. लेकिन वदीम के पास अकल भी मौजूद थी, इसी वजह से लोग उससे दोस्ती भी कर लेते थे और ज़िंदगी भी उसकी साथ साथ चल रही थी. Time, the ruler of this mountain kingdom was a mighty king called Vladimir. He was a fine and powerful ruler, and at his court there were many famous musicians, artists, and otherwise wise and skillful people. इस वक्त इस पहाड़ी सल्तनत का हाकिम वेल्डमेयर नामी गालिब बादशाह था. वो एक नफीस और ताकतवर हुक्मरान था और उसके दरबार पर बहुत से नामवर मौसीकार, फनकार और दूसरे अक्लमंद और हुनरमंद लोग मौजूद थे. वदीम लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज कॉल्ड यंटाया. देयर वाज अ स्कूल इन द विलेज, बट वदीम्स मदर थॉट दैट द अदर बॉयज एट स्कूल वुड हार्म हर डियर लिटिल बॉय. So she did not send her son to school. At this suited him fine. He could wander about all day and be cheeky to whoever he left. Of course, not being at school made Vadim quite lazy. Vadim Yantaya naam ek chote se gaon mein rehte the. Gaon mein ek school tha. Lekin Vadim ki maa ne socha ki school mein dusre ladke iske pyare chote ladke ko नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि ये इसने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा. इसके लिए ठीक है कि वो सारा दिन घूम सकता था और वो भी उसे पसंद करता था, इसीलिए गुस्ताख भी बन गया था. बेशक स्कूल ना होने की वजह से वदीम काफ़ी सुस्त हो गया था. वन डे एज वदीम वॉज प्लेइंग विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स बाय द विलेज पॉन्ड एन ओल्ड मैन पास्ड दैट वे. The boys ran along beside him. Any stranger in the village was a welcome sight
to the boys. The old man stopped beside the pond to rest for a while, and as he sat there, surrounded by the village boys, he noticed Vadim. "Come here, son," said the old man. एक दिन जैसा कि वदीम गांव के तालाब के किनारे अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था, एक बूढ़ा आदमी इस रास्ते से गुजरा। लड़के इसके साथ साथ भाग गए। गांव में कोई अजनबी लड़कों के लिए वेलकम करने के लिए नज़र नहीं आता था। बूढ़ा कुछ देर आराम करने के लिए तालाब के पास रुक गया और जब वहाँ बैठा तो गाँव के लड़कों ने उसे घेर लिया। उसने वदीम को देखा और बोला, इधर आओ। वदीम वेंट अप टू द ओल्ड मैन एंड स्टूड बिफोर हिम। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ओल्ड मैन्स लॉन्ग हेयर एंड हैड। द ओल्ड मैन वॉज फैसिनेटेड बाय वदीम्स स्मूथ एंड हैंडसम फेस एंड द ब्राइट स्पार्कल इन हिज आईज। वदीम बूढ़े के पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। वो बूढ़े आदमी के लंबे बालों को और टोपी को बड़े शौक से देख रहा था। बूढ़ा वदीम के खूबसूरत चेहरे को और उसकी रोशन आंखों को देख रहा था, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप अपनी डेट हम मार्क करेंगे ताकि कल जब हम सेकेंड डे अपनी रीडिंग स्टार्ट करें तो हमें याद हो कि हमने कहाँ से शुरू करनी है। अब हम अपनी लिटरेचर की कॉपी निकालेंगे और उसका काम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको काम करने का तरीक़ेकार बताऊँगी कि आगे हमने काम कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप फर्स्ट पेज पर या तो खुद टाइटल पेज ड्रॉ कर लें और उसके अंदर कलरिंग कर लें। अगर आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बुक में से आप उसको फोटोकॉपी करवा के कलर कर लें। फिर उसके बाद सेकंड पेज पर आप वन पेज राइटिंग करेंगे और उसके बाद हमारा थर्ड पेज पर आ जाएगा हमारा इंडेक्स।